शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है और कहा है कि किसानों से बात करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए अराजनीतिक पैनल का गठन होना चाहिए। ये भी कहा है कि सम्मानजनक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बैठक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी पार्क करने के लिए नहीं है। अदालत ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से फिर से खोलने के आदेश दिए। एम्बुलेंस वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं और छात्रों के लिए आंशिक रूप से हाईवे खोलने को कहा। अदालत ने कहा है कि दोनों राज्यों के डीजीपी अधिक लेन खोलने पर फैसला रहे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगे हैं, जो बॉर्डर की सड़कें बंद हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कहा है कि आंशिक रूप से इस हाईवे को खोला जाना चाहिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और एम्बुलेंस के लिए कम से कम दोनों तरफ की एक एक लेन जो है वो खोली जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के डीजीपी और दूसरे पुलिस अफसर एक हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर मीटिंग करें और आंशिक रूप से इस हाईवे को खोलने के लिए वो मॉडलिटीज़ यानी कार्य जो योजना उसे तैयार करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रजामंदी बन जाती है तो इसके लिए कोर्ट के आदेशों की जरूरत नहीं है, वो सीधे हाईवे की दोनों लेन पार्टली खोल सकते हैं। यहाँ पर बेंच ने कहा है कि वो एक कमेटी का गठन करेगा जो किसानों से जाकर बात करेगी और जो ये तय करेगी कि किस तरह से इस मामले में समाधान निकाला जाए। हरियाणा और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कुछ नाम जो कमेटी में शामिल हो सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इन पर विचार करेगा और एक आदेश जारी करेगा। फिलहाल 22 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो कमेटी है उसमें कौन कौन लोग शामिल हों। तो एक बड़ा मुद्दा है शंभू बॉर्डर का। यहाँ पर पंजाब सरकार ने कहा था लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, एम्बुलेंसेज नहीं जा पाती, यहाँ पर छात्रों को परेशानी होती है, रोज़ाना सफ़र करने वाले लोग दुखी होते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि कम से कम एक एक लेन दोनों की तरफ की खोल दी जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी टिप्पणी जैसे सूर्यकांत ने की, उन्होंने कहा कि जो हाईवे होते हैं वो ट्रैक्टरों के लिए, ट्रॉलियों के लिए, जेसीबी के लिए जो हैं पार्किंग का स्थान नहीं है बल्कि लोगों के आने जाने का रास्ता है और ऐसे में उन्हें खोलने की ज़रूरत है। किस तरीके से खोला जाए ये तय किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अगला कदम बढ़ाया है और कहा है कि पार्टली जो है तो हाईवे के दोनों तरफ के रास्ते एक एक लेन कम से कम खोली जानी चाहिए और वो उसके लिए भी ये भी तय किया है कि किन किन लोगों के लिए ये खोली जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने खुद कहा था कि ट्रैक्टर ट्रोली या फिर जेसीबी इनको इजाज़त ना मिले, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो वाहन है उनको इजाज़त मिले। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि वो भी इसके लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी कवायद यहाँ पर शुरू हुई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते कम से कम इस हाईवे की एक एक लेन खुल जाएंगी ताकि आम लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें होनी बंद हो जाएँ। तो 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई भी इस मामले में करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।